हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को ये बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग अपने कंप्यूटर को कैसे जानें कि कौन सा विंडो पड़ा हुआ है। विंडो 7 पड़ा हुआ है, विंडो 8 पड़ा हुआ है, विंडो 10 पड़ा हुआ है, या विंडो 10 प्रो प्रोफेशनल पड़ा हुआ है, विंडो 7 प्रोफेशनल पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा विंडो पड़ा हुआ है एंड उसमें कितने GB रैम लगी हुई है, ये सब आप लोगों को देखना है। उसकी इन्फॉर्मेशन जानना है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा विंडो डाला हुआ है एंड कितने GB की रैम पड़ी हुई है, उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे फ्रेंड्स, दिस PC, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये दिस PC है। इसमें क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जैसे आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी में जाएंगे इसके, बहुत ही सिंपल फ्रेंड्स। प्रॉपर्टी में जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम ले गए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स सिंपल सा आपको कहाँ जाना, अबाउट ऑप्शन में, अबाउट में क्लिक कर देंगे आप तो सारी इन्फॉर्मेशन में आ जाएगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ क्या डिवाइस नेम है, ये डेस्कटॉप का है। ओके फ्रेंड्स, डिवाइस नेम ये दिया है। इसका जो प्रोसेसर है फ्रेंड्स, ये इंटेल आईकोर 3 का है। ओके फ्रेंड्स, इसका प्रोसेसर जो लगा रहता है वो आपको दिखा देगा कितना, कौन सा प्रोसेसर i3 का है, i5 का है, जो भी है फ्रेंड्स वो आपको शो कर देगा। जो रैम शो करेगी फ्रेंड्स, मतलब जो आपके सिस्टम में रैम लगी हुई है वो दिखा देगा कितनी रैम लगी हुई है। तो फ्रेंड्स ये 4 GB की रैम लगी हुई है फ्रेंड। और क्या था प्रोडक्ट ID, जो कि आप लोग डाल देते हैं जब सिस्टम, ये प्रोडक्ट आई जब यूज होती है फ्रेंड्स, जब हम लोग कोई सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं तब प्रोडक्ट आईडी की यूज होती है आपका। ये और मेन चीज़ होती है फ्रेंड्स कि सिस्टम आपका कितने टाइप, कौन से टाइप का है, 64 बिट का है या 32 बिट का है, कौन सा है, तो आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा फ्रेंड्स। तो मेरा ये 64 बिट का है। ओके फ्रेंड्स, दो ही आते हैं, 32 या 64, तो आपका क्या है 64 है, मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे ख्याल से दो ही है। और आपका क्या आता फ्रेंड्स, अब आप देखिए कि विंडो कौन सी विंडो है, तो ये आता है एडिशनल विंडो 10 प्रो, मतलब प्रोफेशनल, आपकी विंडो 10 प्रोफेशनल है। जैसे कि अगर विंडो 7 होती तो यहाँ विंडो 7 लिखा रहता 10 की जगह फ्रेंड्स, अगर आपका 8 होता तो यहाँ 8 लिखा रहता फ्रेंड्स, जहाँ की मैंने हाईलाइट कर दिया अभी, यहाँ 8 लिखा होता। ओके फ्रेंड्स, ये आपका विंडो 10 हो गया। प्रोफेशनल इंस्टॉल कब हुआ है, यह भी आप लोगों को शो कर रहा है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इंस्टॉल ऑन 15/7/2021, ये जब इंस्टॉल हुआ है तब की डेट दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जान गए सारी जानकारी कि हम कैसे अपने कंप्यूटर में कैसे चेक करेंगे कि विंडो कौन सी है पड़ी हुई है हमारे सिस्टम पे, विंडो 10, 8, 7 या प्रोफेशनल, विंडो 10 या विंडो 7 प्रोफेशनल, जो भी पड़ी है आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से फिर से बता देता हूँ आप लोगों को ताकि परेशानी ना हो। तो आप सबसे पहले जाएंगे दिस PC में, सेलेक्ट करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा ओपन होने के लिए। मैं विंडो 10 चलाता हूँ, इसके अबाउट में जाएंगे तो सारा दिखा देगा आपको, डिवाइस दिखा देगा, कौन से डिवाइस नेम बता देगा, प्रोसेसर बता देगा फ्रेंड्स, रैम बता देगा और आपकी क्या आएगा विंडो बता देगा कौन सी विंडो। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय।